सफाई का। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर कोटा से। स्वक की आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां पर एमबीएस अस्पताल में चाकू कांड देखने को मिला है। एमबीएस अस्पताल बताया जा रहा है जहां पर चाकू कांड हुआ है। दूसरे मरीज के परिचितों ने युवक पर हमला किया है, तो एक युवक पर दूसरे मरीज के परिचितों ने हमला किया है चाकू से, और एमबीएस अस्पताल का ये चाकू कांड बताया जा रहा है कोटा से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दूसरे मरीज के जो परिचित थे उनके तरफ से एक युवक पर हमला किया गया। बेडशीट हटाने के मामूली विवाद को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया, और इस झगड़े में जो दूसरा मरीज बताया जा रहा था, उस मरीज के परिचितों ने दूसरे युवक पर हमला कर दिया। छात्र के पिता ऑर्थोपेडिक आईसीयू में है, और नयापुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बेडशीट हटाने के मामले विवाद को लेकर के दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से घायल छात्र सिद्धार्थ शर्मा एमबीएस अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि एमबीएस अस्पताल से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक मामूली विवाद को लेकर के इस तरीके से चाकू कांड को अंजाम दिया गया, क्या कुछ अपडेट्स हैं इस मामले में? बिल्कुल सुरभि, अगर एमबीएस अस्पताल की बात की जाए तो एमबीएस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं पर आज इस मामले को लेकर सवाल या निशान जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि एमबीएस अस्पताल में संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में एक पुलिस चौकी भी निर्धारित की गई है, जहाँ पर मुख्य द्वार से जो भी कोई अंदर प्रवेश करता है और जो बाहर निकलता है तो उस पर पैनी नजर रहती है। मगर जिस तरह से एक मामूली विवाद को लेकर यहाँ पर चाकूबाजी की जिस तरह से घटना हुई, और एक सिद्धार्थ शर्मा युवक जो जवाहर नगर निवासी था उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकूओं के वार किए, और उसके बाद में वो अपराधी बदमाश बेको वहाँ से एमबीएस से फरार हो गए, तो कहीं ना कहीं पुलिस की प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होते हैं। अभी एमबीएस अस्पताल में सिद्धार्थ का इलाज चल रहा है, सिद्धार्थ के पिता वहां पर भर्ती थे पहले से ही, और वहां पर के पास में ही बेड पर कोई और महिला थी जिसका इलाज चल रहा था, उसमें चद्दर के मामले को लेकर एक मामूली सी बात थी जिसको लेकर हकदारों के परिजनों में झगड़ा हुआ, और झगड़ा इतना विकट हो गया कि उसके बाद में वहां पर कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद में नयापुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है, और बड़ा अपडेट इस मामले में ये है कि एक ठीक है, लेकिन राजेंद्र, जिस दौरान ये घटना घटी, चाकू कांड को अंजाम दिया गया, क्या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड या नर्स या फिर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं थे? कुछ लोग बदमाश जब वहाँ पर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ वार किए तो उस मामले में वहाँ पर बचाने वाला कोई भी आदमी सामने नहीं आया, और साथ में सब लोग मुखदर्शक बने हुए इस पूरी घटना को देखते रहे। बदमाशों ने पूरी घटना को अंजाम दिया, जब सिद्धार्थ के चाकू के वार किए और वो खून से जख्मी हो गया तो उसके बाद में उसको छोड़कर वो लोग वहां से भाग गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर देखने को मिलती है, और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रात का ये पूरा मामला है, रात में जब वहां पर बताया, ये भी जा रहा है कि पुलिस चौकी पर कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं था, पुलिसकर्मी पुलिस चौकी से नदारद मिले, तो कहीं ना कहीं अब कोटा शहर एसपी विकास पाठक इस पर भी एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि जब मीडिया में इस तरह की खबरें छपती है तो चौकी प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। जी सुरभि, ठीक, बहुत धन्यवाद राजेंद्र आपके तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।